हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है वेनिला आइसक्रीम बनाने की। वेनिला आइसक्रीम आज मैं विदाउट कंडेंस्ड मिल्क बना रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वेनिला आइसक्रीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये मैंने 250 ग्राम फ्रेश क्रीम ली है, एक गिलास दूध, दूध को मैंने पहले से बॉयल करके रूम टेम्परेचर पर कर लिया है, और 3/4 कप ये मैंने पाउडर शुगर ली है। चीनी को मिक्सी में डाल के मैंने पाउडर बना लिया है इसका। और यहाँ पर हम 1 चम्मच यूज़ करेंगे वनीला एसेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और जो हमने ये फ्रेश क्रीम ली है इसको हम इस बाउल में निकाल लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि फ्रेश क्रीम जो है ठंडी होनी चाहिए। मैंने इसको 1.5 से 2 घंटे फ्रिज में रख दिया था। क्रीम को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, क्रीम ऑलरेडी ठंडी है। एक बाउल में मैंने आइस क्यूब्स ले लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं इस बाउल को भी रख लूँगी। अब विस्कर की हेल्प से, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विस्कर की हेल्प से इसको फेंटूँगी। कम से कम 10 से 12 मिनट हमको इसे व्हिप करना है। हमने क्रीम को 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से फेंटा है। अब आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम भी पहले से ज़्यादा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम ये हल्की सी हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 गिलास दूध, साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने वनीला एसेंस लिया है, 1 चम्मच हम ये ऐड कर देंगे जिससे इसका वनीला फ्लेवर आएगा। अब इसको हम 2 मिनट और इसी तरह से फेंट लेते हैं। इसको हमने इसको 5 मिनट और फेंट लिया है इसी तरह से, तो टोटल हमने इसको 20 मिनट फेंटा है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। तो जितना हम क्रीम को फेंटेंगे आइसक्रीम हमारी उतनी ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये मिक्सचर आइसक्रीम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने एक यहाँ पर एक एयर टाइट कंटेनर लिया है, इसमें हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, अब इसका ढक्कन लगा के हम 8 से 10 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पूरी रात फ्रीजर में रखा था। अब आइसक्रीम हमारी कितनी बढ़िया जम के तैयार हो गई है। तो अब हम एक लेंगे सर्विंग बाउल और स्कूप की हेल्प से इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा हमें इसे पहले बाहर निकाल के रखना पड़ेगा, तब ये इजीली स्कूप की हेल्प से निकल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी बढ़िया वनीला आइसक्रीम बनके तैयार है। तो ये थी आज की मेरी सिंपल सी रेसिपी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।